टेक्नोलॉजी का इतना जबरदस्त उपयोग यह किया गया है कि स्वयं में आश्चर्य होता है कि कोटा में इस स्थान पर ये किस टेक्नोलॉजिस्ट ने इस ढंग से निर्मित की है। कोटा में आया हूँ, जिस तरीके से कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है वो सामान्य नहीं है। उसका ब्यूटिफिकेशन, ये निश्चित रूप से इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, स्तुत्य है। यहाँ रेस्टोरेंट भी होंगे घाट पर, और रेस्टोरेंट एक ही जगह के नहीं होंगे, साउथ के भी होंगे, इटालियन भी होंगे, यूरोपियन भी होंगे, ये हर प्रकार के यहाँ रेस्टोरेंट होंगे, सब लोग इसका आनंद उठा सकेंगे। तो हर दृष्टि से जो भी मैंने देखा, अनुभव किया, लगा कि अगर ये बन जाएगा तो सचमुच ऐसा दर्शनीय स्थल होगा कि विदेशों से लोग स्वाभाविक रूप से इसलिए इधर आएंगे, भाई कोटा में चल करके चंबल रिवर फ्रंट वहाँ हम जाएंगे, कुछ समय वहाँ व्यतीत करेंगे, अपने आप को कह सकेंगे एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा, ऐसा मुझे लगा। अद्भुत बात ये सर कि आपने एक विजिट कुछ कहा, बहुत बेहतरीन था। किसी ने नहीं बताया आज तक रिवर फ्रंट के बारे में, बताया एक एक घाट के बारे की बता दी। हाँ, घाट आपने कल कहा लगा, मैंने ऐसा पार्क कहीं नहीं देखा, आपने ऐसा रिवर फ्रंट कहीं देखा है पहले सर? मैं तो पहली बार आकर घूम रहा हूँ, मैं बनारस में घूमा हूँ, बनारस घाटों पर भी गया हूँ, उसके बाद तो मैं कहीं घाट पर कहीं ज़्यादा गया। साबरमती में बना हुआ है, गोमती बना हुआ है, दो वो अपने प्रकार के अलग हैं, लेकिन इसका एक स्वरूप अलग है। यहाँ के बारे में जो कल्पना की गई है वो कल्पना को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज मेरी प्रबल इच्छा थी यहाँ रिवर फ्रंट भी सुंदरीकृत किया जा रहा है, और आदरणीय वरिष्ठ मंत्री, हमारे वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता श्री शांति धारवाल जी, जो इस चंबल नदी के किनारे पर घाटों का सुंदरीकरण, केवल सुंदरीकरण नहीं तो इस प्रकार का सुंदरीकरण जिससे मानो पूरे राजस्थान की स्थापत्य कला यहाँ मौजूद है, राजस्थान की हवेलियाँ भी मौजूद हैं, राजस्थान की विशेषताएँ यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे रही हैं, और इतना नहीं तो चंबल जी का बृहद स्वरूप प्रकट करते हुए माँ चंबल को दर्शाया गया है।
माँ चंबल अपना अर्थ कर रही हैं। नीचे 12 नदियाँ हैं, गंगना, गंगा, जमुना, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी नदियाँ हैं। ये अद्भुत दृश्य है। और इतना ही नहीं तो भारतीयता से ओत प्रोत विभिन्न घाटों को भी चित्रित किया गया है। गीता घाट है, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। मुझे बताया गया कि पूरा गीता का जो भाव है, जितने अध्याय हैं, सारे अध्यायों को वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा और प्रत्यक्ष रूप से चित्रकारी के माध्यम से उसको इस ढंग से वो कह रहा जाएगा कि जिसको देखने मात्र से ही लोग अनुभव कर सकेंगे हाँ ये गीता है। ये बड़ी जबरदस्त कल्पना है और उस कल्पना को धरती पर लाकर उतारना ये सामान्य बात नहीं है। अब इतना नहीं तो एक योग घाट है, योग घाट में योगी योग ध्यान मग्न है, अपनी कुंडलनी जागृत करना चाहता है, योग साधना लिप्त है। लेकिन जब कुंडलनी जागृत हो जाती है तो किस रूप में वो हो जाता है, कभी कभी अदृश्य हो जाता है, वो भी स्वरूप दिखाया गया है। टेक्नोलॉजी का इतना जबरदस्त उपयोग यहाँ किया गया है, स्वयं में आश्चर्य होता है कि ये कोटा में इस स्थान पर ये किस टेक्नोलॉजिस्ट ने इस ढंग से निर्मित की है। और इतना बड़ा नंदी का चित्र है, प्रतिमा है, कि बताने के आधार पर लगा कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी प्रतिमा नंदी की कहीं नहीं बनी है। ये स्वरूप दृश्यमान होगा, हाथियों का भी स्वरूप है। राजस्थान के पर्यटक के दृष्टि से जो विशेष रूप से लोग देखते हैं ऊंट को, यहाँ ऊंट का भी ऊपर दर्शन कराया गया है। हड़ौती के शिल्प को भी इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, हड़ौती घाट का नाम ही उसका रखा है। इतना सारा बनाने के पश्चात ये जो सारी चीज़ें, जो सारी भवन बन रहे हैं, ये कमर्शियल होंगी, इसमें सब लोग अपना हैंडीक्राफ्ट का भी होगा, बाकी का भी होगा, सामान रखेंगे, हाजू का भी चला सकेंगे। और इतना दिव्य होगा कि आप क्रूज पर बैठ करके जब जाएंगे तो अद्भुत लगेगा। रात के समय जब प्रकाशमान होगा सारी चीज़ें, और परावर्तन जो होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा नदी के माध्यम से, वो भी दृश्य अद्भुत लगेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये
चंबल रिवर फ्रंट ये कोटा के लिए ही नहीं, राजस्थान का एक बहुत बड़ा सुंदरीकृत स्वरूप होगा। और इसके लिए मैं आदरणीय श्री धारीवाल जी ने जिस ढंग से लग करके इसमें लगातार काम किया है और अनूप भरतिया जी ने उसको जो साकार स्वरूप प्रदान किया है, कल्पना की गई है यहाँ जो आवे तो यहाँ पूरा राजस्थान देख ले, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का भी अनुभव कर ले। यहाँ मरुभूमि भी है तो यहाँ हरियाली भी है, यहाँ पठार जैसा है तो यहाँ खाली मैदान भी है, हर प्रकार का स्वरूप है, नदी भी है, झील भी है और भी कुछ नहीं है, हर प्रकार का स्वरूप का दर्शन। और जिस तरीके से यह निर्माण किया गया है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आधुनिक तकनीकी का इतने ढंग से उपयोग किया गया है कि केवल मात्र देखने मात्र तो नहीं लगता कि देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, इस ढंग से उसका उपयोग है जैसे उसको अनुभूत कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से अंतर्मन को छू रहा है और व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा है, केवल आँख ही उसको देख करके प्रसन्न नहीं हो रही है, यह अंतर्मन प्रसन्न हो रहा है, इसी को अनुभूति कहते हैं। अनुभूति जन तकनीक कहाँ उपयोग किया गया है जो स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करेगा, ऐसा जो जितना मैंने घूमा इतने देर में घूम करके अनुभव किया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सब कोटा पहले भी आते रहे हैं, इस शहर को आपने इस बार कितना बदला हुआ पाया? कोटा लगातार विकास की प्रक्रिया में आगे है और मुझे लगता है कि जैसे कल शाम को मैं ऐसे घूम रहा था तो यहाँ एक अच्छी चीज़ मैंने देखी, यहाँ चौराहे पर कोई लाइट नहीं है, रेड लाइट, रुक जाओ, है फ्री शहर है, फ्री मैंने तो यही देखा, अभी तक कहीं देखा। ये कोटा के विकास की एक दिशा है और मैं समझता हूँ कि कोटा के चौराहे और चौड़े किए जा रहे हैं। मैंने कहीं घटोत्कच का प्रतिमा नहीं देखी, यहाँ मैंने घटोत्कच का प्रतिमा भी देखा और कई घोड़े उसमें ये भी मैंने देखा, तो घटोत्कच की प्रतिमा भी देखी। बस एक आग्रह करना है, मुझे जो लगा धारीवाल जी वो कबीर चौराहा है, कबीर चौराहा उसको जरा और बढ़िया होना चाहिए, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कबीर चौराहे का, और रिनोवेशन होना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें कोटा की बड़ी गति से बन रही हैं और मुझे लगता है कि विकास की प्रक्रिया तेज है, सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से कोटा एक राजस्थान के उत्तमोत्तम शहरों में से एक होगा।